can't watch the full podcast, don't worry. I got you covered with Lalu Talks clips. हमने like 7th standard में हम लोग sports club, तू भी आया था, हाँ, तू, मैं और हितार्थ, हम लोग sports club गए थे dance सीखने के लिए. हितार्थ था क्या उसमें? हाँ. I have no idea. Yes. So this is a very good story, guys. नहीं, this is a very worth it. तो 6th standard के end में, मेरे 6th standard के end में, इसका 8th, 7th या 8th था मेरा. ठीक है. तो दिस वी माय दादी ओके मेरे दादी के फ्रेंड है वो स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर थे तो उन्होंने बोला कि तू डांस कर ठीक है तो मैंने बोला मैं अकेला जाके क्या करूं इनको भी लेके गया मेरी मम्मी इसकी मम्मी से मिली और फिर उसका ये डांस जा रहा है इसको भी आप भेजो मैं को खींच के लाया यही दाद को खींच के लाया मेरे सोसाइटी के दोस्त अनिल को खींच के लाया मैं तो हम चार डांस करने गए एक डेढ़ महीना भाई क्या मजे किए वो बहुत मस्त लाइक वो स्पोर्ट्स क्लब था और वो लाइक क्लब बहुत मस्त वहां पे क्रिकेट विकेट सब कुछ लाइक एज अ हम लाइक बच्चे थे इसलिए हमको सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता था ऐसा थोड़ा एंड मेरा क्या सीन था कि मेरे जो स्कूल में मैं कोई चीज से जला नहीं हूँ लाइफ में ऐसा कि मेरे स्कूल के कोई लोगों को ज्यादा है कम है एक चीज मेरे को होती थी बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स फैक्टर वाज द दिस क्लब की मैं कोई क्लब का मेंबर नहीं कि मतलब मेरे को खेलने जाना होता था यार और कुछ नहीं हम लोग सोसाइटी में कितो खेलते ही थे पहले कैसा तो वहां जाते थे तो हम लोग ने जानबूझ कर क्या करते थे डांस वांस हो गया उसके बाद वो नीचे खाना देते थे फ्री में 2 घंटे हाँ ठीक है उसके बाद हम लोग 2-3 घंटा अंदर ही घूम रहे पास करते क्लब में घूम रहे एक और बच्चे हम लोग 5-6 बच्चे 3-4 बच्चे थे ये एक थोड़ा इधर घूम रहा है एक ऊपर घूम रहे क्योंकि लाइक हम लोग क्लब के मेंबर नहीं थे पर क्या हम लोग डांस सीखने आते थे इसलिए हमको सब कुछ पता चल गया था कि हाँ भाई ये चीज यहाँ पे ये चीज यहाँ पे चाहते थे घूमते थे क्रिकेट खेलते थे बहुत कुछ चीजें थी और लाइक फिर हमारा लाइक कितने लाइक 1.5 महीने का ट्रेनिंग था और ट्रेनिंग के बाद फंक्शन था फंक्शन में भी डांस था डांस लाइक हमने डांस किया वो भी परसों मैंने परसों क्लिप्स देखी है भाई मेरे फोन में अभी है वो क्लिप्स भाई वो क्या दिन थे भाई और उसके बाद वो डांस के बाद हमारा रैंप वॉक था रैंप वॉक कैसे वो मलिंगा वाले जोकर वाले बाल बराबर ओपन शर्ट बराबर ओपन शर्ट हम ऐसे चल रहे हम दोनों तोंदिए थे पहले बहुत बोला तो ऐसे लटक रहा है पेट हमारा और ऐसे चल रहा है लेफ्ट हो रहा है वो भी साथ में लड़की के साथ वो लड़की और भाई और लड़की हाई पता है वो लाइक छोटी लड़कियां थी कितनी छोटी अपने के कंपेरिजन में वाली बहुत हॉट थी भाई मेरे को ना 5th standard की लड़की थी भाई तो हम कौन से स्टैंडर्ड में थे भाई मैं 8th में था अच्छा मेरे लिए तो सेम उम्र की थी हाँ मेरी वाली बहुत हॉट थी वो लाइक हाइट में इतनी आती थी और मेरे को उसके साथ रैंप वॉक करने का था और क्या ऐसे ऐसे चलने का ऐसे चल रहे फिर वो ऐसा हाथ रखेगी ऊपर भाई लाइक वो मैं उसको ऐसे देखता था वो मेरे को ऐसे देखती और वो हाथ रखेगी ऐसे ऐसे वो हाथ रखती है और लाइक सबके पेरेंट्स भी थे लाइक मेरे को बहुत ऐसे शर्म आ रही थी एम्बैरेसमेंट था भाई सीरियसली मेरे क्योंकि मेरे में क्या था मेरे को वो लड़की अच्छी लग गई क्योंकि एक तो हमारे ना वो था सूरज डुबाए यारो वाला सॉन्ग था उसमें हम सालसा कर रहे थे तो उसकी कमर पे हाथ रखने का ही वो और लाइक वो बच्चा और मूवीज में या तुम देखते हो तो यू ट्राई टू कॉपी इट एंड यू जस्ट लाइक भाई और उसी वक्त मैंने शायद जन्नत 2 देखनी नहीं चाहिए भाई, भाई तो 6th grade में जन्नत 2 देख रहा था सो द थिंग वाज मेरे को मेरे भाई ने डाउनलोड करके दी थी और दिखा दी मेरा भाई मेरी उम्र का बट उसने दिखा दी भाई मेरे कुछ ऐसा ही कैसे गंदी गंदी चीजें मैं नहीं देखता था भाई नहीं तो उसमें अबे सी द थिंग इज किसिंग सीन्स का क्या सीन था मेरे को समझ ही नहीं आते थे तो लाइक मतलब मेरे को वो समझ ही नहीं आ रहा अच्छा वो कर रहे हो तो क्या मतलब तू समझ गया था मेरे को वो पता उसमें बाकी का पूरी मूवी का प्लॉट पता था मेरे को नहीं क्या किसिंग सीन का पता कि लाइक तू क्या सोच ऐसे अबे मतलब क्या कर रहे हैं मैं उस टाइम पे देख मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से पहले बहुत बार देखी थी उसमें कहते थे किसिंग सीन नहीं थे उसमें वो कमर पकड़ना ये सब ही था तो मेरे लिए वो था कि वो कमर पकड़ लिया किसिंग तो मेरे को लगा भाई दोनों लिप्स ये कैसे खा रहे एक दूसरे को गाइस ये मेरा दोस्त नहीं है गाइस मैं वो 5th-6th standard था मेरा भाई तू भाई मैं सोचता ही नहीं था अच्छा तू वही सोचता ही नहीं था भाई अबे सी द थिंग इज यू गेट इन्फ्लुएंस्ड ओके मेरी गलती नहीं थी मेरे भाई ने मेरे लैपटॉप में डाल दी थी जन्नत 2 और मैंने उसको 15-20 बार देख रखी थी तो मेरे को था कि यार भाई क्या क्यूट लड़की है नहीं आई वाज द क्यूटेस्ट ऑफ देम ऑल बच्ची अभी अभी के टाइम पे तो कोई बोलेगा हमको प्यूरोफाइल बोल देगा भाई सीरियसली मैन एंड आई रिमेम्बर हैंडल गेटिंग द वेरी द बिगेस्ट वन वो सबसे जाड़ी थी
not catching anybody. It was just कि उसको जब बच्चे थे तो बहुत हंसी आती थी इन सब बातों पे. Like Hanil, हाँ वो लड़की सीरियसली जस्ट किडिंग हाँ और ऐसा कोई ऑफेंसिव बात नहीं है. हाँ. just की बट जो लाइक उन दोनों की पैर थी वो ऐसे लाइक पूरी ड्रामेटिक पैर थी. लाइक ऐसे हम वो ऐसे क्या मूवी में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि लाइक कॉमेडिक सीन ऐसे होंगे, वैसा ही था. और उनका भी वॉक बहुत गजब था. एंड आई रिमेम्बर दिस वन टाइम वेयर मेरे को ना हम डांस कर रहे थे, कुछ स्टेप आ नहीं रहा होगा मेरे को, वो जो सर थे उन्होंने मेरे को डाल दिया, उन्होंने डांट दिया मेरे को और वो मेरे को ले गए बाजू के डांस में जहाँ छोटे बच्चे डांस कर रहे थे. एक अलग अपने से भी छोटे, एकदम छोटे, जो एकदम छोटे इतने नहीं, हाँ तो थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया. हाँ मतलब तो कितने 8 साल तीन सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे थे. और उसमें भी क्या हो गया कि फिर वो डांस करता है आयो थारो रंगीलो मेहमान छोरा छोरी उसमें ऐसा ऐसा घुमा रहे मेरे को. फिर आधा घंटे बाद सर बोलते हैं अब से करेगा ऐसा, मैं बोला नहीं सर. तो फिर मेरे को वापस जाने दिया, वापस नॉर्मल डांस में. फिर वापस उसके साथ मैं ऐसा लगता कि लाइक आजू बाजू सब छोटे छोटे मेहमान. नहीं यार आई सीरियसली रिमेम्बर अदर गर्ल की वो लड़की है कहाँ.